कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट जो है वो मैं आपके सामने बनाता हूँ, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज में दिया हुआ है। तो हम इसका फॉर्मेट लिखेंगे ऊपर कैश फ्लो स्टेटमेंट, और आप नीचे लिख सकते हैं एज पर केस 3 रिवाइज। तो सवाल आता है कि हम इस फॉर्मेट में सबसे पहले क्या क्या चीजें लेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इस फॉर्मेट को हम इनडायरेक्ट मेथड से करेंगे। तो इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहले हमें चाहिए नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आप सबको पता है कि नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो P&L अकाउंट का प्रॉफिट होता है। और ये आपको कैसे पता चलेगा, इसके लिए आपको क्वेश्चन में 2 साल की बैलेंस शीट दी होगी। तो क्लोजिंग में से बैलेंस में से ओपनिंग बैलेंस को माइनस करेंगे आप, दोनों में रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट दिया होगा दोनों में, तो उनको ले लेंगे, उनका डिफरेंस जो है वो ये अमाउंट आ जाएगा। इसके बाद इसके अंदर एप्रोप्रिएशन को ऐड किया जाता है, ऐड हम करते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब आपको पहले ही पता है, आप सबने एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ा है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब होता है वो सारी चीजें जो हमने प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो हम उन सबको क्या करेंगे, एक एक करके इसमें वापस ऐड बैक करेंगे, जो हमने प्रॉफिट में से जो जो चीजें पे आउट किया था। तो उनमें सबसे पहले हमने 4 चीजें आती हैं इसके अंदर, हमने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा ट्रांसफर किया होगा कहाँ, जनरल रिजर्व में, तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व लिखेंगे, उसका अमाउंट आप इनर कॉलम में लिख सकते हैं। उसके बाद आपने प्रॉफिट से कुछ हिस्सा प्रपोज डिविडेंड पेड किया होगा, तो प्रपोज डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर ये ले लेना है आपको, प्रपोज डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। देन उसके बाद आपको इंटरिम डिविडेंड लेना है। ये दीज ऑल आर व्हाट, दीज ऑल आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये इस टाइटल के अंदर 4 चीजें आती हैं, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, और द लास्ट पॉइंट इज प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन भी जो है हम प्रॉफिट से बनाते हैं, बट इसमें आपको ध्यान रखना है कि प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर लेना है आपको, पेड ड्यूरिंग द ईयर नहीं लेना। आपको एक वर्ड पे है फोकस करना होगा कि आपने देखा यहाँ पेड है इंटरिम डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड, बट प्रोविजन फॉर टैक्स मेड है, ये क्या होगा ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि पेड और मेड में क्या फर्क होता है। ठीक है, मेड ड्यूरिंग द ईयर ले लेना। इन चारों अमाउंट को जोड़ देना है, जोड़ने के बाद जो टोटल आएगा उसे बाहर लिख लेना, और इस बाहर वाले अमाउंट को इसके साथ ऐड कर देना है। ऐड करते के साथ ही आपके पास एक अमाउंट आएगा